एक अडल्ट मेल को 2 से 3 हज़ार कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए, और एक अडल्ट फीमेल को 1600 से 2400 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए। अगर हम अपनी डेली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर सकें तो हमारा वेट बढ़ने की बजाय कम होता रहता है। आज इस वीडियो में हम ऐसा शेक बनाने लगे हैं जिससे आप अपनी डेली की आधी से ज़्यादा कैलोरीज को कवर कर सकते हैं। इस शेक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 गिलास ऑफ फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क के 1 गिलास से आपको मिलेगी 122 कैलोरीज। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 2 बनाना। 2 केलों से आपको मिलेगा 210 कैलोरीज। उसके बाद ऐड करें 3 बादाम। 3 बादाम आपको देंगे 21 कैलोरीज। उसके बाद आप ऐड करेंगे 2 अदद काजू, और 2 अदद काजू आपको 11 कैलोरीज देंगे। और इसमें आप उसके बाद ऐड करेंगे 2 अदद खजूर। खजूर से आपको मिलेगा 282 कैलोरीज, 282 कैलोरीज। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच ऑफ पीनट बटर। पीनट बटर का 1/2 स्पून आपको देगा 47 कैलोरीज। और उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 स्पून ऑफ रोस्टेड ओट्स। दलिया आपने ऐड करना है 2 स्पून, वो आपको देगा 76 कैलोरीज। लास्ट में हम ऐड करेंगे 2 स्पून ऑफ रोस्टेड चिक पीस पाउडर। भुने हुए चनों का पाउडर आपने 2 चम्मच ऐड करने हैं, जो कि आपको देगा 91 कैलोरीज। ये शेक को आपने अच्छी तरह से ग्राइंड करके दिन में किसी भी टाइम पी लेना है। 860 कैलोरीज आपको मिलेगा इस ग्लास ऑफ शेक से। बाकी डेली रूटीन की जो आप डाइट ले रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, तो उनसे आपको थोड़ा थोड़ा कैलोरीज करके आपकी मोस्टली हाफ ऑफ द कैलोरीज ये शेक आपको कवर करेगा, और इससे आपका वेट इतनी जल्दी इंक्रीज होगा। डेली बेसिस पे आप 1 केजी अपना वेट इंक्रीज कर सकते हैं।